शहर के रामदासपेठ स्थित ध्रुव पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब यह विदर्भ की एकमेव NABL एक्रेडिक रेड लैब होने के कारण ICMR ने प्राइवेट पेशेंट की जांच के लिए इस लैब का चयन किया है, जिसका फायदा कोरोना मरीजों को होने वाला है। ध्रुव पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब रामदासपेठ यह एक प्राइवेट लैब है, जहां पर तकरीबन रोजाना सैकड़ों मरीजों की जांच होती है। इस लैब में अब कोरोना पेशेंट की भी जांच की जाने वाली है। यह लैब 30 साल पुरानी है। रोजाना रूटीन जांच के अलावा यहां पर एडवांस ऑटोमेटेड मशीन द्वारा जांच की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की जाती है। इस लैब में 2 साल पहले CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एटलांटा इनके साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया था और इस लैब को लेकर नेशनल प्रोजेक्ट भी होते रहते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के माध्यम से सबको गाइडलाइन दी जाती है। सरकारी लैब के अलावा मरीजों की संख्या देखते हुए प्राइवेट लैब को भी कोरोना-19 की जांच की सेवा देना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर शहर के ध्रुव लैब को कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की जांच के लिए ये लैब उपलब्ध की गई है, जिसके चलते अब विदर्भ की एकमेव NABL एक्रेडिएटेड लैब होने के कारण ICMR ने प्राइवेट पेशेंट के जांच के लिए इस लैब का चयन किया है। इस बारे में ध्रुव लैब के डॉक्टर माधवी देशमुख और डॉक्टर चांडक इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी। ध्रुव पैथोलॉजी का नाम विदर्भ में सबसे बड़ा ऐसा एक नाम है, जिसके चलते कोविड-19 के लिए जो मरीज जो होंगे उनकी जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी, वो इसी लैब से होने वाली है। इस समय में हमारे साथ डॉक्टर माधवी देशमुख मौजूद है। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। माधवी मैम, ये बताएं कि जिस तरह से आज आपके पैथोलॉजी का नाम लिया गया है सरकार की ओर से, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि विदर्भ में एकमेव ये लैब है, क्या व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पैथोलॉजी? ध्रुव पैथोलॉजी लैब काफ़ी पुरानी लैब है। 30 साल से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी खासियत ये है कि हम सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के साथ कुछ ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स आता है, माइक्रोबायोलॉजी आते हैं, इसके सारे एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास होते हैं। और गए 8 सालों से हमारा लैब जो है वो NABL एक्रेडिएटेड है। NABL एक्रेडिएशन किसी भी टेस्टिंग के लिए, स्पेशली कोविड टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमने ICMR को कॉन्टैक्ट किया कि हम चाहते हैं कि हम पेशेंट्स को मदद करें कोविड टेस्टिंग करके, ICMR ने हमें हमारे NABL एक्रेडिएशन स्टेटस के बारे में पूछा और तब हमने हमारी सारी तैयारियां उन्हें दिखाई। ICMR हमारे सारे तैयारियों से खुश होकर उन्होंने हमें ये टेस्टिंग के लिए अभी हमें परमिशन दी हुई है। किस प्रकार से इस ध्रुव पैथोलॉजी का चयन हुआ, इसके बारे में डॉक्टर माधवी देशमुख इन्होंने बात किया। अब हम सीधा रुख करने चाहेंगे मुंदड़ा, डॉक्टर मुंदड़ा हमारे साथ में। मुंदड़ा साहब, ये बताइए कि कई ऐसे समय में जो मरीज लोग आते थे, जिनका जो निदान हुआ करता था, जो जांच पड़ताल होती थी, वो एक अलग पार्ट था, लेकिन कोविड-19 एक ऐसी महामारी कि जिसके चलते लोग काफ़ी सदमे में हैं, ऐसे में आपके पैथोलॉजी की ओर से क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे? प्रिकॉशन के तौर पे जो कुछ ICMR की तरफ से कहा गया है हम सब करेंगे। प्रिकॉशन में सोशल डिस्टेंसिंग तो होता ही है, लेकिन लैब में प्रिकॉशन जो हम लोगों को ज़्यादा लेना पड़ता है वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जैसे सर से पाँव तक आदमी ढका रहेगा और उसके बाद ही टेस्ट करेगा। और उसके बाद जो एक स्पेसिफिक है जो लैब में करना पड़ता है वो है बायोमेडिकल वेस्ट, जो टेस्टिंग के दौरान जो हम लोगों का वेस्ट निकलता है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या टिप्स हो या फिर बचा हुआ जो सामान है, रिएजेंट्स है, वायरस है, जो कलेक्शन मीडियम है, वो सब हमको अच्छी तरह से डिस्पोज करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो गवर्नमेंट के उसके भी कुछ गाइडलाइंस है, पहले उसको ऑटोक्लेव करना पड़ता है, फिर उसको डिस्पोज करना पड़ता है, क्योंकि हम ये ना चाहें कि लैब में टेस्ट हो रहा है, इसके वजह से लैब से जो वेस्ट निकलता है उससे किसी और को बीमारी हो, तो वो प्रिकॉशन ये टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मशीन्स है जो इस टेस्ट के काम आते हैं, जो नागपुर में हम लोगों के पास है, और उससे हमें काफ़ी मदद हुई। हमने H1N1 के लिए भी पहले टेस्टिंग की थी जब उसका एपिडेमिक आया था कुछ साल पहले, तब भी ये मशीनें हमको वो टेस्टिंग के दौरान काम आई थी।
तो आप है डॉक्टर मुंद्रा जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए कहा है कि अक्सर यह देखा जाता है कि शहर में कुछ ऐसे पैथोलॉजी है, अगर किसी की रिपोर्ट मांगना हो तो अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट आती है, चाहे फिर शुगर टेस्ट की हो या अन्य किसी टेस्ट की हो, क्योंकि उनमें वो ऑथेंटिक जो जानकारी वो पूरी तरह से सटीक नहीं हुआ करती है, जिसके चलते ऐसी भी कई पैथोलॉजी है जो धड़ल्ले से कामकाज कर रही है और मरीजों के दुश्मन भी बन रहे हैं। ऐसे में ध्रुव ये पैथोलॉजी अपने आप में एक है कि इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे पूरी एडवांस मशीन जो लगी हुई है जिसके चलते कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। कहने का मतलब ये कि जांच जो होगी 100% पूरी तरह से कंप्लीट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नागपुर के रामदास प्लेट ध्रुव पैथोलॉजी से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी न्यूज़ नागपुर।